जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज आपके लिए लेके आए हैं आयनिक साम्यावस्था का अगला वीडियो, जिसमें हम लोग जानेंगे ओस्टवाल्ड के तनुता नियम के बारे में। तो आइए जानते हैं क्या होता है ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम। ओस्टवाल्ड ने दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयन की वियोजन मात्रा अल्फा व उसकी मोलर सांद्रता सी में संबंध स्थापित किया। बच्चों किसी भी नियम को पढ़ने से पहले हमें संक्षेप में ये पता होना जरूरी है कि वो किसके बारे में है। ओस्टवाल्ड ने किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयन की वियोजन मात्रा तथा उस विलयन की मोलर सांद्रता में एक संबंध स्थापित किया, एक व्यंजक दिया। अब जानते हैं क्या है वो संबंध। नियत ताप पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन मात्रा उसकी मोलर सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ओस्टवाल्ड ने पाया कि अगर आप ताप नियत रखते हैं, ताप परिवर्तित नहीं करते हैं, तो किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य की जो वियोजन मात्रा होगी, वह वियोजन मात्रा उस दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जिस तरीके से देखिए, अल्फा व्युत्क्रमानुपाती है दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर सांद्रता के। क्या ये आपको स्पष्ट है? ये जो यहाँ पे आप व्यंजक देख रहे हैं, ओस्टवाल्ड ने इस व्यंजक की स्थापना करी, इस संबंध को दिया। अब हम लोग इस व्यंजक की व्युत्पत्ति करेंगे, तो देखते हैं कैसे ये डराइव होता है। मान लो आपके पास ए बी एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है, जिसके एक मोल को जल में घोला गया है। इस विलयन का जो आयतन है वो वीलीटर है, और यहाँ पर इस ए बी दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा को अल्फा से प्रदर्शित किया गया है। तो अब यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए इस विलयन की मोलर सांद्रता क्या होगी, तो आप जानते हैं मोलर सांद्रता इज इक्वल टू होगा मोलों की संख्या डिवाइड बाय आयतन। और आप जानते हैं इस दुर्बल विद्युत अपघट्य के यहाँ पे हमने एक मोल लिया है, और बच्चों यहाँ पर जो आयतन है वो V है। तो यहाँ पे संबंध जो आया वो आया C इज इक्वल टू 1/V। क्या आपको स्पष्ट है? और C यहाँ पे मोलर सांद्रता को प्रदर्शित कर रही है। तो यहाँ पर देखिए, हमने ए बी को जल में घोला, और जल में घोल के हमने उसका जलीय विलयन बनाया, जिससे हमको ए धनायन और बी ऋणायन मिल गया है। यहाँ पे एन जो है ये मोलों की संख्या को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो एन प्रारंभिक यानी कि प्रारंभ में मोल की संख्या। बच्चों प्रारंभ में आपके पास केवल क्या होगा? ए बी दुर्बल विद्युत अपघट्य, जिसको आप जल में घोल के जलीय विलयन बनाने वाले हैं। तो आपने यहाँ पे ए बी का एक मोल लिया और उसको जल में घोल दिया। अब यहाँ पे घोलने से क्या होगा? जब आप उसको घोलेंगे तो प्रारंभ में इसका एक मोल होगा, परंतु इनके जीरो मोल होंगे, क्योंकि ये अभी आपने घोला नहीं है। जब आप इसको जल में घोल देंगे तो ए भी जो आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य है, ये वियोजन होगा, ये आयनों में टूटेगा, ए धनायन और बी ऋणायन में। माना यहाँ पर इसके वियोजन की जो दर है, मात्रा है, वो अल्फा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बच्चों? मैं यहाँ पे लिखूंगा अल्फा, यहाँ पे लिखूंगा अल्फा। बच्चों जितना वियोजन होगा ए बी का, उतने ही धनायन और ऋणायन मिलेंगे। और यहाँ पर जब ये वियोजित हो गया है, तो ये साम्य अवस्था पे ए बी के मोलों की संख्या 1 - अल्फा होगी। क्या ये आपको क्लियर है? कुछ किताबों में कुछ जगह आपको यहाँ पर एक की जगह हम लोग सी लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे सी लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों सी अल्फा, ये हो जाएगा सी अल्फा, क्योंकि जो अल्फा वियोजित हुआ है वो सी से हुआ है, सी का अल्फा, यानी सी इंटू अल्फा सी अल्फा हो जाएगा। और बच्चों ये हमारा हो जाएगा सी माइनस सी अल्फा, यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं सी, ये 1 - अल्फा इंटू सी, ऐसे भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। याद रखिएगा, परेशान मत होइएगा। अब बच्चों यहाँ पर मोलर सांद्रता की बात करते हैं। मोलर सांद्रता निकालने के लिए साम्य अवस्था पे जो आपके पास मोल हैं, उन मोलों को आपको आयतन से डिवाइड करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग ये लेके चलेंगे, इसको लेके चलना थोड़ा सरल होता है, तो हम लोग पहले वाला संबंध लेंगे। तो कितने मोल हैं सर साम्य अवस्था पे? हमारे पास है 1 - अल्फा, और आयतन कितना है सर? वी लीटर। क्लियर हुआ? तो हमने आयतन से भाग कर दिया। सर यहाँ पे ये वाला लेके चल रहे हैं संबंध, तो यहाँ पे अल्फा बाय क्या होगा? वी होगा। यहाँ पे सर बी आयन की जो मोलर सांद्रता होगी वो अल्फा बाय वी होगी। क्या आपको स्पष्ट है? तो मोलर सांद्रता जो हमको प्राप्त हुई है यहाँ पर इस दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए साम्य अवस्था पे, वहां पे कुछ
कुछ ऐसा आपको संबंध स्थापित होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब आप जानते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर साम्यवस्था स्थिरांक की व्युत्पत्ति करनी है, के निकालना है। तो ये देखिए के साम्यवस्था, ये हम लोग पहले स्थापित कर चुके हैं। के पी के सी निकालना आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, जिनको नहीं आता है वो वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो के साम्यवस्था इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देखिए उत्पाद क्या है आपका, ए धनायन का सक्रिय द्रव्यमान इंटू बी आयन का सक्रिय द्रव्यमान डिवाइड बाय ए बी का सक्रिय द्रव्यमान। H2O नहीं लेंगे क्योंकि बाहुल्य में है, जिसकी अधिकता होती है, जिसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उसकी सांद्रता या उसके मोलों की संख्या को हम लोग जीरो ले लेते हैं। तो ये क्लियर हुआ आपको। तो यहाँ पे ए धनायन के कितने मोल हैं, अल्फा बाय बी, क्लियर हुआ। बी एनायन का सक्रिय द्रव्यमान या मोलर सांद्रता कितनी है, अल्फा बाय बी। और बच्चों ए बी की मोलर सांद्रता कितनी है साम्यावस्था पे, तो वो है 1 माइनस अल्फा बाय बी। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो हल करने के बाद ये देखिए अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय वी स्क्वायर हो गया है, और नीचे है आपका 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय वी। इसको आगे हल किया तो अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय वी स्क्वायर ये ऊपर चला गया, और आप जानते हैं यहाँ पे वी से ये हमारा स्क्वायर कट जाएगा, क्लियर है आपको। तो क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय वी इंटू 1 माइनस अल्फा। हमने अभी निकाला था के साम्य अवस्था इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय वी माइनस अल्फा। अब ये बताइए कि जो यहाँ पे आपने के साम्य अवस्था निकाला है, साम्य अवस्था स्थिरांक के की व्युत्पत्ति करी है, किसके लिए करी है? सर ये हमने की है दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए। तो सर दुर्बल तो वो होते हैं जो पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं, अर्थात जहाँ पर उनका वियोजन बहुत कम होता है, यानी कि आयन बहुत कम देता है, वो कहलाता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। विलयन अत्यधिक दुर्बल विद्युत अपघट्य का है, अतः अल्फा की जो मात्रा होगी, बेटा ये अल्फा जो है एक में से टूट रहा है, एक से काफ़ी कम होता है अल्फा, क्योंकि विलयन है आपका दुर्बल, तो अल्फा का मान जो होता है वो एक की तुलना में बहुत बहुत छोटा या कम होता है, इसलिए हम लोग अल्फा को यहाँ पे नगण्य मान लेते हैं और इसको छोड़ देते हैं। जब आप यहाँ पे अल्फा को नगण्य मान लेंगे तो 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। क्या आपको क्लियर है? तो ये मान हमको यहाँ पे ऊपर रखना है। तो आपका साम्यवस्था स्थिरांक के का मान क्या होगा, देखिए आपका मान हो जाएगा के साम्यवस्था स्थिरांक इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय वी। सर क्या हुआ, क्योंकि बेटा 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि अल्फा हमने यहाँ पे नगण्य है, छोड़ दिया है। अब थोड़ा इसको आगे हल करते हैं बच्चों। हमने अल्फा स्क्वायर को घुमाया तो के इंटू वी हो जाएगा, देखिए आपको किस स्पष्ट हुआ होगा। फिर हमने यहाँ पे आपको पता है कि स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे वर्गमूल के वी भी लिख सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे लिखा अल्फा इज इक्वल टू वर्गमूल के डिवाइड बाई सी। सर सी कहाँ से आया, तो बच्चों याद कीजिए जब हमने शुरुआत की थी तो वहाँ पे हमने मोलर सांद्रता निकाली थी ए बी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, और वहाँ पर जाना था मोलर सांद्रता जो थी वो बराबर थी मोलों की संख्या डिवाइड बाय आयतन। तो यहाँ पे मोल हमने एक लिया था और आयतन वी लिया था, तो सी इज इक्वल टू 1 बाय वी हुआ। तो बच्चों बताइए वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सर वी को उधर लीजिए तो सी नीचे पहुंच जाएगा, तो वी इज इक्वल टू 1 बाय सी। तो इसलिए यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू वर्गमूल के बाय सी हुआ है, क्योंकि हमने वी को यहाँ से हटा दिया है, वी का मान हमने यहाँ पे 1 बाय सी कर दिया है। क्या आपको ये स्पष्ट है? अच्छा मान लीजिए कि जो आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य है, अगर वो दुर्बल अमल हो तो यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर क्या चेंज आएगा, यानी कि उस दुर्बल अमल का वियोजन की मात्रा जो होगी वो वर्गमूल के ए डिवाइड बाय सी हो जाएगा। के ए यहाँ पे हमको दिखा रहा है दुर्बल अमल का वियोजन स्थिरांक, क्लियर है आपको? तो ये वियोजन स्थिरांक है बच्चों दुर्बल अमल का। सर क्या होगा अगर मेरा विद्युत अपघट्य क्षार हुआ, तो बच्चों कुछ नहीं होगा, जहाँ पे के ए यहाँ पे सिर्फ के बी हो जाएगा, अर्थात कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। स्पष्ट हुआ आपको? और बच्चों ये ही हमको सिद्ध करना था। तो ये है हमारा ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम, जहाँ पर आप देख सकते हैं ओस्टवाल्ड ने दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन मात्रा और उसकी मोलर सांद्रता के बीच में एक संबंध स्थापित किया, और ये संबंध ही कहलाता है ओस्टवाल्ड का तनुता नियम। क्या था सर संबंध, तो याद कीजिए क्या था, तो यहाँ पर था नियत ताप पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा अल्फा उस दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर
एकांतरता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और आप जानते हैं व्युत्क्रमानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हमको वहां पे स्थिरांक या नियतांक लगाना पड़ता है। बच्चों ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीएससी के एग्जाम में भी बहुत ज्यादा आता है, और नीट के क्वेश्चन में जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वहां पर तो सीधा इसके ऊपर व्यंजक के ऊपर ही वो एक या दो सवाल बना देता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, आपको पता होना चाहिए। उम्मीद है आपको स्पष्ट हुआ होगा। अगली वीडियो में हम लोग बच्चों यहाँ पे वियोजन मात्रा को ज्ञात करना सीखेंगे और उसके कुछ आंकिक सवाल भी करेंगे।